अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 बैंक और मुफर्रद सूद की एक्सरसाइज नंबर 41 का पांचवा सवाल देखेंगे। इसमें एक जदवल दिया गया है, कहा गया है जदवल में खाली जगह पूर कीजिए। जदवल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको सिर्फ जदवल नहीं पूरा करना है, उसमें पांच हिस्से सवाल के दिए गए हैं, उसमें पांच पांच चीज़ें हैं, उसमें से दो चीज़ें नहीं मालूम है और तीन चीज़ें मालूम हैं। तो उन दो चीज़ों को मालूम करके हमको उसकी कीमत मालूम करना है जो खाली जगह है। तो उसके लिए हम सवाल को जदवल ना बना करके, जदवल कम्प्लीट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सवाल हल करके वो दो जो रकम नहीं मालूम है उसको मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर दो पहले और दूसरे सवाल की अदद लिख ली है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर असल जर दिया गया है 4200 रुपये, सरा सूद 7%, मुद्दत 3 साल दी गई है। सूद मालूम करना है और कुल जर मालूम करना है। इसके लिए आपको मुफर्रद सूद का जाप्ता याद होना चाहिए और इसमें ये तीन चीज़ें हर एक में दी गई हुई हैं, उसको रख दिया जाएगा, उसकी मदद से हम बाकी चीज़ें मालूम कर लेंगे। जाप्ता लिखते हैं मुफर्रद सूद का क्या होता है, सबको याद होना चाहिए। मुफर्रद सूद बराबर अलीफ जरब मीम जरब सीन बटे 100। हल लिखेंगे यहाँ पर या सलूशन लिखते हैं कुछ लोग। सूद बालू का नाम को असल जर दिया गया है 4200 कीमत रख लेंगे, जरब मुद्दत 3 साल दी गई है, सरा जो दी गई है 7% दी गई है बटे 100। यहाँ से 2 जीरो इसका 100 का, 2 जीरो 4200 का कट जाएगा, बचेगा आपका 42 जरब 3 जरब 7, लिख लिया जाएगा 42 जरब 3 जरब 7। इसको जरब कर लेंगे तो 42 जरब 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 42 को और 21 को ऊपर नीचे लिख करके कहीं जरब कर लेंगे, या फिर 42 को 3 से पहले जरब कर लेंगे फिर 7 से जरब कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 4 2 4 4 2 8 8 8, 882 रुपये आ जाएगा। सूद जो आ जाएगा कितना, 882 रुपये। जो पहली खाना पूरी करना है उसमें आपको एक आंसर ये मिल जाएगा कि 882 रुपये सूद। और दूसरी चीज़ मालूम करना है, कुल जर मालूम करना है। इसके लिए आपको कुल जर का जाप्ता याद होना चाहिए। कुल जर बराबर होता है असल जर जमा सूद। असल जर कितना है, 4200 जमा सूद 882 रुपये है। 882 को 4200 में जमा कर लेंगे, 2 आ जाएगा 8 8 2 10 8 1 4 1 5, 5082 रुपये कुल जर आ जाएगा। आंसर में आपको रुपए लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि ये रुपए पैसे की बात हो रही है। तो दूसरी खाना पूरी में आपका आ जाएगा 5082 रुपये। इस तरह से हल करके आप जदवल बना करके जदवल मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन जदवल मुकम्मल करना कोई ज़रूरी नहीं, सवाल हल करना ज़रूरी है आपका। उसमें दो आंसर आएंगे, दो चीज़ मालूम करना था, सूद और कुल जर, ये दोनों आपका आ गया, ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा हिस्सा है, इसमें असल जर मालूम करना है और कुल जर मालूम करना है और तीन चीज़ें दी गई हैं। मुफर्रद सूद के जाप्ते में 4 चीज़ मतलूबा चीज़ें होती हैं, उसमें से अगर 3 चीज़ें मालूम हैं तो 4थी चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो मुफर्रद सूद का जाप्ता लिखते हैं, हल मुफर्रद सूद बराबर अलीफ जरब बी जरब सी।
आगे जो पढ़ेंगे इसको ये इस तरह से जाता हो जाता है पी एन आर बटे सौ। अंग्रेजी में असल जर को प्रिंसिपल अमाउंट, मुद्दत को नंबर ऑफ ईयर और सरासूद को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें इसमें दी गई हैं, लिख लेते हैं। मुफरस सूद जो है 1200 रुपये है, बराबर असल जर मालूम करना है। असल जर लिख लेते हैं क्योंकि अलिफ लिखने पे एक समझ में आता है। मुद्दत 4 साल है और सरासूद 6% बटे 100। तिरछी जरब कर लेते हैं इसको, जब तिरछी जरब करेंगे तो असल जर जरब 4 जरब 6 हो जाएगा, बराबर 1200 जरब 100 हो जाएगा। असल जर बराबर हो जाए 4 और 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसलिए असल जर बराबर 1200 जरब 100 बटे 4 जरब 6। ये लिखना आना चाहिए कि जो चीज़ हमको मालूम करना है उसके साथ में जो अदद है, दूसरे सिमत की जो अदद है उसके नीचे चली जाएगी वो अदद। 4 के पहाड़े से 12 कटता है, 4 का 4, 4 3 12, 2 0 बच जाएगा। 6 के पहाड़े से 300 कट जाएगा, 6 का 6, 6 5 30 और 1 0 बच जाएगा, 50 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 50 जरब 100। 50 को जब 100 से जरब करेंगे तो 1 0 और 2 0 लिख लिया जाएगा। अब कितना बचेगा, 1 और 5 बचेगा, 1 और 5 को जरब कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5000 रुपये। असल जर कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। एक खाली जगह में हमको ये भरना था कि असल जर कितना आएगा, तो उसका आंसर आ गया 5000 रुपये। दूसरी चीज़ हमको मालूम करना है कुल जर, कुल जर का जाता आना चाहिए हमको। कुल जर बराबर क्या होता है, असल जर जमा सूद, यानी कि जितना पैसा बैंक ने सूद दिया है या जो भी जहां से भी सूद मिलता है, असल जर जमा सूद। असल जर कितना आया है, 5000 रुपये। सूद कितना है, 1200 रुपये, 1200। दोनों को जमा कर लेंगे, 1200 और 5000, ये 6200 रुपये कुल जर आ जाएगा। दूसरी खानापूरी की जहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कुल जर बराबर 6200 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम सवाल आपको हल करके जदवल अगर मुकम्मल करना है तो मुकम्मल कर लेंगे, और नहीं तो ये आंसर आप लिख लेंगे तो आपका इसके लिए काफ़ी। इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं, दिया गया है असल जर 8000 रुपये, सरासूद 5%, मुद्दत मालूम करना है, सूद 800 रुपये है और कुल जर मालूम करना है। तो मुफरस सूद का जाता लिखेंगे इसमें, हल बराबर अलीफ जरा मीम जरब से बटे 100। तमाम कीमत देख करके लिख दीजिएगा, असल जर 8000 रुपये है, मुद्दत मालूम करना है, सरासूद 5% है बटे 100 और सूद जो है 800 रुपये। 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तिरछी जरब कर लेंगे तो हो जाएगा 80 जरब मीम जरब 5 बराबर बटे 1 कर लेंगे इसको और ये 800 हो जाएगा। तो मीम बराबर हो जाएगा आपका, यही लिखना आना चाहिए कि मीम बराबर क्या कैसे लिखा जाएगा, ये 80 और 5 800 के नीचे चला जाएगा, 800 बटे 80 जरब 5।
एक जीरो का एक जीरो से कट जाएगा, आठ से काट देंगे आठ का आठ, और आठ का आठ एक जीरो बच जाएगा दस आ जाएगा, आठ पाँच का पाँच, पाँच दूनी दस, मीम बराबर दो साल यानी मुद्दत बराबर दो साल आ जाएगा। और दूसरी चीज पूछी गई है कुलजर पूछा गया है, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक खाली जगह में कुलजर का जाता लिखेंगे, कुलजर बराबर असल जर जमा सूद, इसमें असल जर भी मालूम है और सूद भी मालूम है, वो जमा कर लेंगे। असल जर 8000 जमा 800 ये हो जाएगा 8800 रुपये, दूसरी खानापुरी में यह आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका चौथा सवाल है, असल जर मालूम करना है, सरासूद 5% है, मुद्दत मालूम करना है, सूद दिया गया है 6000 रुपये और कुल जर दिया गया है 1800 रुपये, 18000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए मुफर्रद सूद के जाबते में अगर हम लिखेंगे तो एक दो तीन चार चीज़ें ये आती हैं, इसमें से दो चीज़ें नहीं मालूम, तो पहले हमको एक चीज़ और पहले मालूम कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमको कुल जर भी मालूम है, सूद भी मालूम है, तो असल जर मालूम हो सकता है। उसी जाबते को थोड़ा सा तब्दील करके कि असल जर बराबर, असल जर कैसे निकलेगा, अगर आपको कुल जर मालूम है तो उसमें से सूद नफी कर दिया जाए, कुल जर नफी सूद, तो 18000 रुपये कुल जर है, 18000 नफी 6000 ये बराबर हो जाएगा 12000 रुपये। ऊपर नीचे लिख करके नफी कर लेंगे या ऐसे ही नफी कर लेंगे कि 18 में से 6 नफी होगा तो 12 बचेगा, तो ये 12000 रुपये हो जाएगा। अब मुफरत सूद का जाता लिखेंगे, मुफरत सूद बराबर अलीफ जरब मीम जरब सी बटे सौ, सूद की जहाँ पर 6000, असल जर 12000 हमने निकाला है, जरब मुद्दत मालूम करना है और सरा सूद जो दी गई 5% बटे सौ, दो जीरो इसका कट जाएगा। अब यही अगर अब मीम बराबर कैसे लिखा जाएगा, ये लिख लिया जाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, मीम बराबर हो जाएगा 6000 बटे 120 जरब 5 रुपये, 120 जरब 5, एक जीरो उसका कट जाएगा, एक जीरो से कट जाएगा, 12 के पहाड़े से कट जाएगा, 12 का 12 12 25 60, और एक जीरो बचा हुआ है 50 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 का 5 5 का 5 एक जीरो आ जाएगा 10, तो मुद्दत बराबर 10 साल आ जाएगा। दूसरी खानापुरी जो हमको मालूम करना है, मुद्दत उसमें 10 साल आ जाएगा और कुल जर में असल जर में 12000, ये दो आंसर जदवल में लिख दिया जाएगा या सिर्फ हल करके कि आंसर जो खाली जगह है हमको आंसर बराबर 12000, असल जर बराबर 12000 रुपये और मुद्दत बराबर 10 साल लिख दिया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आखिरी सवाल लिया गया है, इसमें इसके पांचवें सवाल में ये पांचवा हिस्सा है, इसमें देखते हैं क्या दिया है, मालूम करना है असल जर मालूम करना है, सरा सूद 2.5% दी गई है, मुद्दत 5 साल और सूद 2400 रुपये, कुल जर मालूम करना है। देखिए ये आखिरी सवाल है इसका, इसलिए इसमें सूद की तरह जो 2.5% दी गई है इसको हम चाहे 2×4 एक 5/2 लिख सकते हैं, या 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 होता है, 2 * 5 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 * 5 भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा और 5/2 लिखेंगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन इस तरह से हम सवाल को हल नहीं कर सकते, इसको तब्दील करना होगा। तो मुफरत सूद का जाता लिखते हैं, क्या होता है मुफरत सूद का जाबता, अलीफ जरब मीम जरब सी बटे सौ,
या कुछ लोग इधर से पढ़ते हैं सीन जरब मीन जरब अली बटे सौ, वो सब सही है। सूत्र जहाँ पर 2400, असल जर मालूम करना है, असल जर पूरा लिख लेते हैं क्योंकि अलीफ लिखने पर एक समझ में आता है। मुद्दत 5 साल ली गई है और सरा सूद जो है 2 असर या 5 है बटे 100। इसको फिर से जर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसलिए असल जर जरब 5 जरब 2 असर या 5 बराबर 2400 जरब 100। अब असल जर बराबर ये 5 जरब 2 असर या 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो असल जर बराबर 2400 जरब 100 बटे 5 जरब 2 असरिया। इसमें नसलनुमा में एक जहाँ पर असरिया को ख़त्म करना होगा, असरिया ख़त्म करके हल सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। असरिया के बाद यहाँ पर ऊपर भी एक असरिया लगा देते हैं और उसके बाद एक अदद इसमें है, एक जीरो इसमें भी लगा देते हैं, यानी कि ऊपर भी असरिया के बाद एक अदद हो जाए, एक हिंसा हो जाए और नीचे भी एक हिंसा दिया हुआ है। अब इसको असरिया को हटा करके लिखते हैं 2400 जरब ए 1000 हो जाएगा बटे 5 जरब 25। 5 के पहाड़े से काट दीजिए, 5 एक 5, 5 2 10, 2 0 बचेगा, फिर 5 से 5 25 25, 5 4 20, 1 0 बचा हुआ है, 40 हो जाएगा, 5 एक 5, 5 8 40 बराबर हो जाएगा 2400 जरब 8। जरब कर लेंगे ऊपर नीचे लिख करके, 800 800 800, 8 4 32 के 2 हासिल 3 और 8 2 16 3 19, 19200 रुपये जो है क्या आ जाएगा, असल जर आ जाएगा। कुल जर मालूम करना है, कुल जर का जाबता लिखेंगे, क्या होता है कुल जर बराबर, असल जर जमा सूद। कीमत रख लेंगे, असल जर कितना आया है 19200, जमा सूद कितना है 2400। अगर इस तरह से नहीं जमा कर पाते तो इस तरह से ऊपर नीचे लिख के जमा कर लेंगे, 19200 और 2400, 0 0 4 2 6 9 2 11 2, 21600 रुपये हो जाएगा। ये दूसरी खानापुरी में कुल जर की जहाँ पर 21600 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर कोई दुश्वारी आती है तो उसको आप समझने की कोशिश करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकअल्लाह खैर।